घृतम मिमिक्षे घृतमस्यो निर्गतेषितो घृतम वत्सधाम्ना अनुश्वसमावहमादय स्वाहा घृतम प्रथमवक्षी अभ्यम्मा तदोप्रान्ते शुद्धोदकास्थानीयं समर्पयामि भगवते एकलिंगाय रुद्राय नमः कृतिवासेश्वराय नमः भगवते कपर्दिने नमः भगवते अमरेश्वराय नमः। आप ऐसा समझ करके जल चढ़ाए कि हम अमरनाथ जी पे चढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होगा अमरनाथ जी का जो शिवलिंग है वो भी बर्फ का बनता है। काहे का बनता है? और ये जो शिवलिंग है ये भी बर्फ का बना हुआ है। ये है स्फटिक, जो बर्फ 1000 वर्ष पुरानी हो जाती है, जो बर्फ 1000 वर्ष पुरानी हो जाती है वो स्फटिक बन जाती है। क्या बन जाती है? समझ में आई बात? इसका एक प्रमाण है, स्फटिक मणि अलग होती है। इसका प्रमाण है कि इसके ऊपर घी डालते ही जम जाता है, कितना भी गर्म घी डाल दो। इसकी प्रमाणिकता इसी से, बिल्कुल शीतल रहता है, कभी गर्म नहीं होता है। इसका यही प्रमाण, इसी पर अगर सांप डंक मार दे बर्फ पर, उस पर तो वही जो बर्फ होती है वही नीलम बन जाती है, नीलम पत्थर। उसी पर अगर बिच्छू डंक मार दे तो वही पुखराज बन जाता है। पदार्थ एक ही, तो ये भी आप अमरनाथ जी हैं ऐसा समझ करके अभिषेक। बोले शंकर भगवान।